भयंकर कुलाटे मार रही भारत की दमदार अर्थव्यवस्था। भारत ने दुश्मन चीन को भयंकर तरीके से छोड़ा पीछे। उधर भारत पर लगातार बरस रहा सोना, भर गया खजाना। विदेशी धन से सराबोर भारत, बना रहा रोज नए रिकॉर्ड। दोस्तों, भारत सरकार की मजबूत आर्थिक नीतियों ने कमाल कर दिया है और इसका रिजल्ट अब दिख रहा है। भारत आर्थिक क्षेत्र में रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है, जबकि खुद को बहुत बड़ी ताकत बताने वाला चीन इस मामले में भी भारत से शिकस्त झेलता नजर आ रहा है। तमाम एजेंसियों के मुताबिक भारत की इकोनॉमिकल रफ्तार इतनी तगड़ी है कि इसके आगे चीन बेहद पीछे छूटता दिख रहा है। इस खबर ने जिनपिंग के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक चीन भारत का मजाक उड़ाता दिख रहा था। आज जहां भारत के दमदार हथियारों ने उसकी नींद उड़ा रखी है, वहीं वो भारत की इकोनॉमिकल रफ्तार के आगे पस्त होता जा रहा है। जबकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हर हफ्ते नए रिकॉर्ड कायम करता जा रहा है, वहीं भारत का गोल्ड रिजर्व भी बेतहाशा बढ़त हासिल कर रहा है। भारत की ये चमक दुश्मनों को चैन से सोने नहीं दे रही है, लेकिन बेबस होकर भारत की उड़ान देखने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। दुनिया की किन एजेंसियों और संस्थाओं ने चीनी इकोनॉमी की पोल खोल दी है? भारत की रफ्तार के बारे में क्या चौंकाने वाला खुलासा किया है? विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े क्या बताते हैं और भारत के सोने का खजाना कितना बड़ा हो गया है? इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। इमर्जिंग मार्केट और इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में भारत पहुंचा टॉप पर। चीनी शेयर्स को भारत ने दिया तगड़ा झटका, भरभरा कर गिरा बीजिंग। अमरीका ने भारत को बताया इकोनॉमी का सुपरस्टार, जल उठा चीन। दुनिया भर में भारत के दमखम की वजह से आज भारत का गोल्ड रिजर्व और विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ता जा रहा है। नए रिकॉर्ड देख दुनिया की आंखें फटी रह गई हैं। इन आंकड़ों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको अमेरिका संस्था की उस रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जिसके मुताबिक भारत की ताकत के आगे चीन फिसड्डी साबित हुआ है। भारत ने पहली बार MSCI के इमर्जिंग मार्केट और इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में चीन को पछाड़ कर सबसे ऊपर पहुँच गया है। इन इंडेक्स में भारतीय शेयर्स का हिस्सा 22.27% है, जो चीन के 21.58% शेयर से आगे है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक चीन का बाजार 8.14 ट्रिलियन का है, जो कि भारत के $5 ट्रिलियन के बाजार से 60% ज़्यादा है। इसके बाद भी भारत ने चीन को इस इंडेक्स में पीछे छोड़ दिया है। MSCI मतलब मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स एक बेंचमार्क इंडेक्स है, जो उभरते देशों की शेयर बाजार की हालत दिखाता है। इसे 1988 में मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके मुताबिक इंडेक्स में टॉप पर पहुंचने की वजह से भारत में बहुत तगड़ा निवेश आएगा। दुनिया भर की तमाम कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित होंगी, वहीं भारत की कंपनियों में दुनिया भर से निवेश आएगा, जिससे भारत की इकोनॉमी बेहद मजबूत हो जाएगी। पिछले 3-4 सालों में भारतीय शेयर बाजारों ने जबरदस्त रफ्तार दिखाई है। कोरोना महामारी के बाद जहां चीन समेत एशियाई बाजार लंबे वक्त तक मंदी की मार झेले रहे, वहीं भारत की इकोनॉमी अपना दम दिखाती रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना महामारी के वक्त आपदा में अवसर का नारा दिया था, और जिस वक्त दुनिया इस बीमारी से जूझ रही थी, उस वक्त भारत पूरी दुनिया के लिए संकट मोचन बना हुआ था। अमरीका हो या रूस, भारत सारे देशों को दवा से लेकर तमाम मेडिकल इक्विपमेंट भेज रहा था। पूरी दुनिया भारत के आगे मदद की गुहार लगा रही थी। वहीं भारत ने वक्त के साथ ऐसी नीतियां अपनाई कि तमाम खतरनाक हालात के बाद भी भारत की इकोनॉमी ने बहुत तेज़ी से रिकवर कर लिया और लगातार आसमान छूती चल दी। भारत ने दुनिया की सबसे ताकतवर देशों में से एक ब्रिटेन को पीछे छोड़कर इकोनॉमी में 5वें पायदान पर पहुंच गया, जबकि अब वो 4थे और 3रे पायदान पर पहुँचने के लिए मजबूती से काम कर रहा है। देश का औद्योगिकीकरण किया जा रहा है, दुनिया भर के छोटे बड़े देशों से करार किए जा रहे हैं। भारत अपने निर्यात को बढ़ा रहा है, इसके लिए देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा रहा है। विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने नीतियों में सुधार किए हैं। दुनिया भर में संबंध मजबूत बनाए जा रहे हैं, जिसका बड़ा फायदा भारत को हो रहा है। वहीं दुनिया भर में फैला भारत का टैलेंट हर साल ताबड़तोड़ पैसा भेजकर भारत का विदेशी मुद्रा बढ़ा रहा है, जबकि निर्यात में बढ़त की वजह से रोज ये आंकड़ा आसमान छू रहा है। किसी भी देश का विदेशी मुद्रा भंडार उस देश की ताकत होता है। इसके द्वारा देश दूसरे देशों से आयात करता है, महंगाई कंट्रोल की जाती है, हथियार खरीदने में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसे समझना चाहिए कि विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश की जान होती है।
अगर किसी भी देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो जाए तो वो देश दिवालिया घोषित हो जाता है। कुछ दिन पहले श्रीलंका ऐसी हालत झेल चुका है, लेकिन इस मामले में भारत काफ़ी आगे निकल चुका है। दोस्तों, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के लिए बहुत सी चीज़ें जिम्मेदार हैं, जिनमें निर्यात बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा भेजा गया पैसा भी इसका बहुत बड़ा स्रोत है। वहीं सरकार की नीतियाँ इस पर सबसे बड़ा प्रभाव डालती हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते जा रहा है, जिसे देख चीन का गला सूखा जा रहा है। 23 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते के दौरान देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 7.02 अरब डॉलर की भारी बढ़त हुई है, जिसके बाद ये बढ़कर 681 अरब डॉलर हो गया था। वहीं 30 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह के दौरान देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 2.2 अरब की बढ़त दर्ज की गई है, जिसके बाद भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 683 अरब डॉलर के साथ नया रिकॉर्ड कायम कर लिया गया है। इससे पहले कभी भी देश का विदेशी मुद्रा भंडार इस लेवल पर नहीं पहुंचा था। वही विदेशी मुद्रा अस्थियों में भी तगड़ी बढ़त देखी गई है। विदेशी मुद्रा अस्थियों का मतलब होता है वो संपत्तियां जिनका वैल्यूएशन विदेशी मुद्रा के आधार पर होता है, जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग। गैर अमेरिकी मुद्राओं की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर विदेशी मुद्रा पर संपत्तियों पर पड़ता है। ये विदेशी मुद्रा भंडार का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, जो 1.4 अरब डॉलर बढ़कर 599.03 अरब डॉलर हो गई है, जबकि भारत का गोल्ड रिजर्व भी बढ़ता जा रहा है। जबकि SDR, जो 5 मुद्राओं से मिलकर बना होता है और किसी देश की संपत्ति माना जाता है, 90 लाख डॉलर बढ़कर 18.46 अरब डॉलर हो गया है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के पास भारत का रिजर्व भी 5.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.62 अरब डॉलर हो गया है। ये भारत की इकोनॉमी के दम को दिखाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है देश के भीतर मजबूत सरकार और सरकार के मजबूत निर्णय हैं। लगातार 10 सालों से ज़्यादा वक्त से देश में एक मजबूत और स्थिर सरकार है, जिसकी वजह से तगड़ा निवेश आ रहा है। आर्थिक सुधारों की दिशा में देश मजबूत कदम उठा पा रहा है, क्योंकि निवेशकों को इस बात का भरोसा बना हुआ है कि सरकार बदलने वाली नहीं है। ऐसे में उनके निवेश के लिए देश के अंदर कोई खतरा नहीं है। वहीं सरकार तमाम सुधार लागू करने में सक्षम रहती है, क्योंकि बहुमत रहने की वजह से सुधार को लागू होने और पास होने में विरोध का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा मजबूत नेतृत्व ने दुनिया की ताकतों के किसी दबाव में न आते हुए केवल देश की मजबूती के लिए काम किया, जिसका असर देखा जा सकता है। दोस्तों, देश की इस उड़ान के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।